हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे मेरी न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पैकिंग वाला एम्ब्रॉयडरी वाला सूट बनाएंगे। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्यूअर्स ने ये साइज़ भेजा था, बाय चांस की बात है ये मेरे पास सिलने आ गया, तो मैंने इसकी कटिंग आपको दिखाई है। तो साइज़ मैंने सामने लिख दिया है, ये हमारा साइज़ है। आप अपना साइज़ इस पे लगा के बिल्कुल सेम ऐसे ही डिवाइड कर करके बनाते जाना, आपका भी आराम से बन जाएगा सूट। तो अब हम सबसे पहले इसे खोल के देखेंगे कि ये हमारा कपड़ा कैसा है, ठीक है। तो ये देखिए, गले में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो गला बनाने की फ्रेंड्स मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप वहाँ से देख लेना। बाकी जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, रफल स्लीव्स है, आगे नेट लगी हुई है। चौड़ाई में कपड़ा कम है लेकिन हम इसको ठीक करेंगे। और साइडों में पाइपिंग है, दोनों साइड में पाइपिंग है। अब हम इसे देखो खोलेंगे पहले। तो स्लीव्स तो ऐसे ही अटैच कर रखे, जैसे सेमी स्टिच सूट होते हैं ना, उसमें बस यूं ही अटैच कर देते हैं। और ये सब बड़े बखिये से लगा हुआ है, हल्का हल्का सा खिंचाव करके ये आसानी से निकल रहा है। अब हम दोनों तरफ की पाइपिंग भी काट लें, उतार लेंगे। तो पाइपिंग जो है हमारी कहीं यूज़ नहीं होगी। अगर आप इसका बॉटम बनाएं प्लाजो वगैरह, मेरे को सलवार बनानी है, मैंने यूज़ नहीं करी, अगर बॉटम आप प्लाजो बनाएं तो उसमें यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। वो मैंने बैक साइड और स्लीव्स को अलग कर दिया। अब हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा इस तरह है, बीचों बीच इसमें डिज़ाइन है, बीचों बीच बटन की जगह बना रखी है। इसको हम यहीं से पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसका कान वगैरह सब चेक कर लिया था, तो ठीक ही था कपड़ा। ये देखिए, पहले हमने बिल्कुल गले को मिला के पूरे कपड़े को सेट किया। ये देखिए, सेट हो गया। अब हम इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो 39 हमारी तैयार लेंथ है, लेकिन हम 40 लेके चलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये देखिए, इतना एक्स्ट्रा है, तो हमें इसका बॉर्डर भी खोलना पड़ेगा। अब हम इसमें अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो देखो, गले की भी हमें लेंथ देखनी पड़ेगी, क्योंकि गले इसमें कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, लेकिन हमें अपना गले का मेज़रमेंट लेना है। 7 इंच हमें तैयार लेना है, तो 7 पे निशान लगाया, 1 इंच ऊपर, यानी हमने 8 पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, 39 और 1 इंच हम इसमें बढ़ाएंगे, तो ये हमारा 40 हो गया। हमने 40 पे निशान लगाया, तो देखो ये बिल्कुल पूरा ही आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास इसका बॉर्डर भी है, तो बॉर्डर को हम रख के यहाँ निशान लगाएंगे। अब देखेंगे कि हमारी लेंथ कहाँ आ रही है। ये जो गोल गोल कटाव है, इसको छोड़ के ऊपर से लेंथ लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारी तैयार 40 हो गई। अब हम इसके यहाँ निशान लगा देंगे, यानी ये बॉर्डर हमारा यहाँ लगेगा। अब इससे नीचे हम थोड़ा सा 2.5 इंच कपड़ा रख के इसको कट कर देंगे। ये कपड़ा रखना ज़रूरी है कि अगर हमारे को छोटा या बड़ा करना होता है, तो मार्जिन टेलर के कपड़ों में हमेशा होना चाहिए। अब तीरा हमारे पास 14 है, 14 का आधा हमने 7 लिया, 7 ही हम यहाँ लेंगे। ये देखिए, और ये हमारे पास इसकी बस्ट साइज़ 42 है, प्लस 3 किया हमने, 45 हो गया। 45 को 4 से डिवाइड किया, 11.25 आ गया। ये हमारी देखिए, 11.25 जो हमारा आया है, इसी को हम 11.25 को हम यहाँ लगाएंगे, और ये हमारे पास बस्ट साइज़ आ जाएगी। इससे नीचे 3.5 पे निशान लगाएंगे, ये हमारी कमर की लाइन आ जाएगी। इससे नीचे 7 लगाएंगे, ये हमारी हिप की लाइन हो जाएगी। ये तो हमारी बस्ट साइज़ हो गई, ये अपर बस्ट, ये वेस्ट और ये हिप। तो फ्रेंड्स, जब भी हैवी ब्रेस्ट साइज़ में बनाएं तो आप इसी तरह बनाएं। अब देखिए, ऊपर से लेके कमर की लेंथ 16 आ गई है। अगर यही लंबाई बड़ी छोटी हो जाती है तो पीछे जाने लगते हैं जो सूट होते हैं। अब देखिए, कमर का साइज़ मैंने लिख दिया है, आप पॉज करके देख सकते हैं, ये हमने बस साइज़ का लिख दिया। और अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, तो देखिए इस तरह फिटिंग आनी चाहिए। ये देख रहे हैं ना आप, शेप किस तरह आई है। अब हमारे पास हिप साइज़ इसकी 45 है, एक बढ़ाएंगे 46 हो जाएगा, ठीक है। उसे जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 11.5 आ गया, 11.5 ही हम नीचे ले लेंगे। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स, शेप हम कैसे करेंगे। ये देखिए, ऐसे शेप डालेंगे,
ठीक है, एम्ब्रॉयडरी आ गई है इसलिए हमें ऐसे ही शेप डालनी है। जिस समय हम इसका आर्म होल सिलेंगे उस समय थोड़ी सी शेप करेंगे जो एक्स्ट्रा आएगी, इसलिए पहले जब भी आप करें इस तरह करें एम्ब्रॉयडरी वाले में। नॉर्मल कपड़ों में तो पहले शेप 1 इंच की हो जाती है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी वाले में आप इसी तरह करें। अब ये लेंथ में पीछे की तरफ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, इसको भी हटा देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसके ऊपर अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। अब अगर आपके पास ये लेंथ पूरी पूरी बैठ रही हो तो आप वो जो पट्टी एक्स्ट्रा थी उसे हटा दो और उसकी जगह पे जो पाइपिंग आई थी ना वो डाल दो, वो अच्छी लगती है। अब फ्रंट साइड को इसके ऊपर सेट कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे को ये लंबाई से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो हमारा मोड़ने में चला जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल हल्की सी शेप दिख रही है ना, बस ये इतनी ही चाहिए और ये लेंथ से एक्स्ट्रा है वो मोड़ने में यूज हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए ये जो सिलाइयाँ हैं पहले इसको खोल लेंगे, ये ऐसी का ऐसी नहीं बन सकेगा। ये देखिए, नेट के कपड़े को कभी भी खींच के नहीं उधेड़ना चाहिए, बस आप सिलाई खोल को खींचो तो वो अपने आप ही खुलता चला जाएगा। ये देखिए, दोनों को एक सा करेंगे, एक बाजू दिखाऊंगी दूसरी बाजू को आप उसी तरह कर लेना। अब जिधर लंबाई थी उसको हमने चौड़ाई में बदल दिया, ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि उस साइड को थोड़ा ज़्यादा कपड़ा था। अब हमें लेंथ 17 तैयार चाहिए। अब हम इसको रख कर देखेंगे कि हमारी जो लेंथ है इसको मिलाने के बाद कितनी आ रही है। तो ये गोलाई वाले हिस्से को छोड़ के लेंथ लेंगे। तो ये देखिए 17 हमारे पास यहाँ पर पूरा आ रहा है। और ये देखिए एल्बो तक की लाइन जो थी 11 थी वो सही आई है। अब यहाँ पे बाजू की गोलाई लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जोड़ डालेंगे, वो जोड़ जो होगा वैसे बाजू हमारी बिल्कुल पूरी आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो ये देखिए मार्जिन में कुछ नहीं जाएगा, अगर हम इसको ऐसे कैसे बना देंगे तो दबाव नहीं रहेगा, लेकिन हमारे को दबाव रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम ये जो लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पहले कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसी के आगे इसको रख देंगे। ये देखिए डबल का डबल, जैसे आप एक बाजू में करेंगे ना दूसरी में भी इतना ही कपड़ा निकलेगा। ये देखिए इस तरह हम इसे सेट कर देंगे। अब सेट करके अब हम अपनी जो बिल्कुल सिंपल बाजू का ड्राफ्ट बनाते हैं, तो स्लीव्स की वीडियो डली हुई है, अगर आपको देखनी है तो आप देख लेना। और ये देखिए ऐसे काटेंगे और मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा जोड़ है, ये हमारा अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और इसको यहाँ की यहाँ ही सिल देंगे, ठीक है। सिलने के बाद इसको सिल देंगे और बिल्कुल जैसे सिंपल बाजू बनाते हैं ना उस तरह इसकी फिटिंग डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाजू बन गई है। फ्रंट साइड का गला मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड। तो देखिए जब गला बनाने के बाद हमने जो तीरे की पट्टी होती है वो हमारे पास 4 इंच बची है, तो आपको यहाँ पर भी पूरा 4 ही लेना है, इसमें सिलाई के लिए नहीं रखना। अब जितना हमारा गला है उतना ही लेंगे पूरा का पूरा। मुझे 7.5 गला चाहिए, पूरा 7.5 पे ही काटेंगे, क्योंकि पाइपिंग लगने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये देखिए अब हमने इसे कट कर लिया। अब हम यहाँ पे ओरेप पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम एक तिरछे कपड़े में, अगर मैचिंग है तो मैचिंग, लेकिन मेरे पास तो इसी रंग की सलवार है तो मैं इसी रंग का ही कपड़ा लगाऊंगी। पाइपिंग काटेंगे और हम बैक साइड में पाइपिंग को हल्का हल्का सा खींच के लगाएंगे, इससे गला कभी भी नहीं फैलता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पाइपिंग लगा ली। अब हम इसकी सफाई कर लेंगे पहले। ये देखिए, और इसमें बहुत बारीक बारीक शो करते हुए इसको पूरा मोड़ लेंगे। बस इतना इतना शो करते हुए पूरा मोड़ लेंगे। अब मैं आपको इसके तीरे जोड़ने दिखाऊंगी।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जब हमने फ्रंट साइड का नापा था तो 4 इंच की पट्टी थी। अब ये देखिए बनने के बाद पूरा 4 आ रहा है, 4 से कुछ कम ही आ रहा है। अब हम इसे ऐसे रखेंगे, ये देखिए गले से मिलाएंगे और जितना भी हमारा तीरे में एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए हमारा बाहर की तरफ यहाँ निकल गया, इसीलिए हमने शेप थोड़ी कम करी थी। अब फ्रेंड्स जितना तीरा ही बाहर को निकल रहा है आप इसको उतना ही कट कर देना, ये देखिए, और बिल्कुल सिंपल बाजू की तरह आप इसमें अपनी जो स्लीव्स हैं वो जोड़ लेना। ये देखिए तीरा ऐसे जोड़ेंगे जहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से ही। देखो एक साइड गले की साइड ज़्यादा दब रहा है और तीरे की साइड कम दब रहा है, तो आपको इसी तरह ही दबाना है, स्ट्रेट कर देना है। ये देखिए अब हम गला इसका आपको नाप के दिखाते हैं कि हमारा कितना आया बनने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरा हमारा 7 आया है। और अब हम इसका बैक साइड का दिखाते हैं आपको, बैक साइड का ही पूरा 7.5 आया है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल मैंने 7.5 पे ही काटा था। अब जो मैंने फिटिंग के निशान लगाए थे उस फिटिंग को हम ले लेंगे और सिल देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स पूरा सूट मैंने सिल दिया है। अब सिलने के बाद मैं अब आपको इसकी फिटिंग चेक कराती हूँ। अब देखिए फिटिंग चेक करने के लिए जब भी आप, जैसे मुझे लेना था 45 का आधा तो 22.5 होता है, तो ये देखिए ऐसे खींच के, अच्छा सा खींच के, ये नहीं है कि बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे, आपको अच्छा सा खींचेंगे तब हमारे पास 22.5 आएगा। अब कमर के पास हमारे को चाहिए 20.5, तो ये देखिए ऐसे खींच खींच के, क्योंकि जब हम कपड़े पहनते हैं थोड़े खींच के आते हैं तो सही रहते हैं। ये देखिए पूरा हमारे पास 23 आ रहा है, तो यानी इसकी फिटिंग जो हमने लगाई थी वो बिल्कुल ठीक है। नीचे के बॉर्डर देखिए, जो मैंने कट लगाया था उस लाइन के ऊपर मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए जब भी आप इसकी लेंथ सेट करें तो आपका इस तरह आना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा कटाव बाहर और थोड़ा सा ये इस तरह करके ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल कटाव से नहीं मिलाना नीचे, और साइडों में इस तरह करके मिला होना चाहिए। ये देखिए साइड ही ऊंची नीची दिखती है तो गंदा लगता है। अब बाजू आप देखें, ये देखिए बाजू के आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल भी जोड़ दिखाई नहीं दे रहे, बहुत हल्के हल्के से हैं। और ये देखिए कर्व आप देखो कितना अच्छा कर्व आया है। बैक साइड की प्लेटें फ्रेंड्स, प्लेटों की वीडियो अपलोड है मेरे पेज पर भी, यूट्यूब के चैनल पर भी, और अगर आपको तब भी दिक्कत होगी तो मैं एक बार और प्लेटें डालना की वीडियो अपलोड कर दूंगी। ये देखो अब गला, और फ्रंट में हम बटन लगा देंगे। ये फ्रंट गला हो गया, और ये देखिए अब यहाँ पर आपने देखा है ना बिल्कुल पूरा 7 आ रहा है। हमारा 5 गला था तो मैंने नोक नहीं डाली, अगर नोक डाल देते तो लंबा हो जाता। और ये हमारे पास पूरा 7.5, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बन के रेडी हो गया। और देखिए आर्म होल की शेप आप देखो, इस तरह करके गिरा के नहीं लेनी है, इस बिल्कुल ऐसे ही लेनी है जैसे मैंने दिखाई है आपको। बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह सूट की। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।